हरिओम, नमस्ते। आज हम सब मिलकर सुधा अग्रवाल के घर में एक सत्संग कर रहे हैं। सत्संग कहे तो देवता आराधन और सत्य की हम खोज करने वाले। जगत में सबसे बड़ा भगवान कौन है आप पूछ रहे थे ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे प्रत्यक्ष देवता कहे तो वही सूर्य भगवान है। इसीलिए सूर्य उपासना करना बहुत बड़ा एक साधना है। इसीलिए क्यों सूर्य भगवान सबसे श्रेष्ठ कहे तो वो निरंतर कर्मरत ही रहता है, सदा वो कर्तव्य कर्म करता है और बिना किसी को भेदभाव के, बिना भेदभाव करते ही सब लोगों पर, अमीरों को पर भी, गरीबों पर भी, झोपड़ी पर भी और महल पर भी वो समान प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। इसीलिए वो सबसे बड़े एक उदाहरण है। मैं फिर बोलते हैं कि भगवान सूर्य नारायण सबसे प्रत्यक्ष देव के रूप में वो भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण संपूर्ण जगत के परम आराध्य देवता है। सब ऋषि मुनियों ने उसका ही चिंतन करते आए हैं। वैदिक साहित्य में जितना चाहे उतना सूर्य उपासना का संबंधी चर्चा रहता ही है और ऋग्वेद में और आदिगुरु शंकराचार्य ने तो कितना सारा उसका स्तोत्र रूप में उसका स्तुति किए हैं। इसीलिए सूर्य नारायण को हम सबसे बड़ा भगवान मानते हैं और पुराणोक्तवागी हम देखे तो पुराण में सबसे भगवान बड़ा कहे तो वेदों में तो सूर्य नारायण का स्तुति बहुत है। सूर्य नारायण तो कश्यप मुनि का बेटा ऐसा कहते हैं और वो महर्षि कश्यप सूर्य के पिता है, हनुमान जी के गुरु है। हनुमान जी उनका ही अनुसरण कर जगत प्रसिद्ध हुआ है और सूर्य के पुत्र यमराज तो ने वो नचिकेता को वो कठोपनिषद प्रवचन के पाठ करवाया है ना, वो सब सूर्य भगवान उसको सिखाया था। फिर बोलते हैं महाभारत में पांडव लोगों के वनवास काल में सूर्य की उपासना वो युधिष्ठिर करता है, उससे उसको एक अक्षय पात्र मिलता है। वो किसी भी पात्र में अन्न किए तो भी वो अक्षय हो जाता था। और कहते हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण ने भी सूर्य की उपासना आराधना करने के बाद ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया है, उससे ही वो दिग्विजय हुआ था। ऐसे ही बोलते हैं कि फिर वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को भी युद्ध करने को जाना रहता है, तब वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके रावण पर विजय प्राप्त करता है। पुराणों के अनुसार एक बार सूर्य की पत्नी संज्ञा पति के तेज को सहन नहीं कर सकती, तब वो उत्तर पूर्व चली जाती है। तब सूर्य भगवान भी को मालूम होता है वो संज्ञा उत्तर कहे तो हिमालय के पास गई है करके वो भी उधर ही जाता है। वो जाने के बाद वहाँ पर वो अविनाशिनी रूप धारण करता है, संज्ञा से दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म देता है। अश्विनी कुमार देवता ने चिकित्सक कहे तो सूर्य का पूर्ण जो एक औषधि युक्त किरण है ना, वो अश्विनी देवते के पास है, इसीलिए अश्विनी देवते का उपासना करने से सब रोग मुक्त होते हैं। और फिर बोलते हैं कि सूर्य देव आरोग्य के अधिष्ठाता देव भी है। मार्कंडेय पुराण में भी सूर्य को उत्पत्ति तथा उनकी दोनों पत्नियों के संज्ञा और छाया, उनसे सिक्स संतानों का विस्तार से वर्णन मार्कंडेय पुराण में बहुत किया है। एक जन्म में भी हमारा अध्ययन करने से सूर्य का वर्णन करने को हम जैसों को साध्य नहीं है। इसीलिए हम सबके संस्कृति में
आरंभ से ही सूर्य की महिमा बताई जाती है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, तत्वतः वह पूर्ण परब्रह्म स्वरूप है और उसका उपासना और विधान वेदों में तो है ही है। सूर्योपनिषद और बोलते हैं ऋग्वेद में, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन से 4वां अध्याय में बोलता है ना, वो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम कहकर है। सबसे पहला मैंने तो सूर्य को ही उपदेश दिया है करके श्री कृष्ण भी बोलता है। फिर हम सब उदय काल में ही ब्रह्म मुहूर्त में ही उसको उठकर उसको अर्घ्य देना चाहिए, जिससे जो उसका दर्शन करता है ना वो भी सूर्य जैसा ही प्रसिद्धि पाता है और आरोग्यवंत भी रहता है। कितना चाहे उतना भी बोल सकते हैं, फिर भी प्रथम कहे तो वो सबसे पहला हमारे घर आने से पहले ही उसका स्वागत के लिए हम जागते हैं ना, जागे तो बहुत अच्छा। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सूर्य को सुबह उठकर उसका दर्शन करते हैं ना, उनकी दिन बहुत अच्छा जाता है। इसीलिए भारत में सूर्योपासन का बहुत प्रचलित प्रथा भी है। फिर बोलते हैं कि उसका रूप देखने से आँखों को वो परी बोलते हैं ना, वो नहीं आता और बुद्धि तेज होता है। और सूर्य नारायण को देखकर हम अर्घ देना चाहिए, दिए तो उससे देखकर हम गायत्री मंत्र पाठ किए तो हमारा धियो यो न प्रचोदयात। उसको गायत्री मंत्र को सवित मंत्र भी बोलते हैं, सवित कहे तो सूर्य। इसीलिए सूर्य उपासना बहुत अच्छा है। हम सब सुबह सुबह उठकर सूर्य नारायण का मित्रायनमा अनगायनमा कश्यपात्मजायनमा दिवाकरायनमा प्रभाकरायनमा विवस्वतेनमा सूर्य नारायणायनमा ऐसे उसका 12 ये नामावली है ना, वो भी पठन करना चाहिए। और ईशावासोपनिषद में लास्ट अनुवाक में भी हिरण्मयेन पात्रे एन सत्यस्यापि हितं मुखम्, हे सूर्य भगवान, सूर्य सुवर्ण के पात्र जैसा वो ढक्कन माया का ढक्कन है ना, वो हटाकर मुझे सत्य का प्रतिपादन करो। सुपता कहे तो अच्छे मार्ग में जाने को मुझे उजाला बेड़क कोड़ो, ऐसे बोलते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर रोज़ उठना ही चाहिए। मैं तो देखती हूँ कि आप सब तो उठते हैं, हम भी उठते हैं। जो नहीं उठते ना, उठाना चाहिए। जागो जागो, जागते रहो, जागना चाहिए। जागने से सब कुछ मिलता है। ऐसे मेरा दोन बात कहकर यहाँ पर मेरा शब्दों को विराम देती हूँ। हरि ओम सुधा अग्रवाल, नमस्ते।